कोकोपीट मान सकते हैं एक फसल का जो माध्यम है मिट्टी के रूप में, जो कि न्यूट्रिएंट को उपजाऊ करता है, नमी को बनाए रखता है। इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट कोकोपीट में है या फिर जो न्यूट्रिएंट अपन डालते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्लांट को उपलब्ध करवाता है। और अगर जो न्यूट्रिएंट प्लांट को टाइम टू टाइम उपलब्ध होंगे तो प्लांट अच्छी तरह ग्रोथ करेगा और जो अपना प्रोडक्शन है वो भी अपना अच्छा होगा। अगर इसकी बात करें, अगर इसमें अपन सीडलिंग ट्रे के माध्यम से बीजों के द्वारा पौधे तैयार करते हैं, तो इसमें कुछ लाभ है अपने कि एक तो आप ये नमी बनाए रखेगा, इसके साथ साथ इसमें जो रोग और बीमारियां हैं वो कम से कम आपको इसका जो दर है वो बहुत कम होगा। और जो निमेटोड की समस्या अपन देखते हैं खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो सीडलिंग ट्रे में तैयार की हुई नर्सरी में निमेटोड की समस्या कम देखी गई है। नमस्कार साथियों, मेरे पास आप देख सकते हैं ये जो टब है इसमें कोकोपीट भरा हुआ है। तो ये कोकोपीट हमने रात को ही भिगो दिया था और ये अब पूरी तरह तैयार हो चुका है, पूरी तरह गलकर तैयार हो चुका है। जिस प्रकार से ये कोकोपीट है वो नारियल का एक अपन फाइबर बोल सकते हैं इसको, नारियल के फाइबर को कंप्रेस करके एक ब्रीफ नुमा ईंट नुमा फॉर्म में बदला जाता है और उसके बाद वो अपने को मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। अगर इसके बेनिफिट की अपन बात करें तो इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं प्लांट के अंदर। कोकोपीट मान सकते हैं एक फसल का जो माध्यम है मिट्टी के रूप में, जो कि न्यूट्रिएंट को उपजाऊ करता है, नमी को बनाए रखता है। इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट कोकोपीट में है या फिर जो न्यूट्रिएंट अपन डालते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्लांट को उपलब्ध करवाता है। और अगर जो न्यूट्रिएंट प्लांट को टाइम टू टाइम उपलब्ध होंगे तो प्लांट अच्छी तरह ग्रोथ करेगा और जो अपना प्रोडक्शन है वो भी अपना अच्छा होगा। अगर इसकी बात करें, अगर इसमें अपन सीडलिंग ट्रे के माध्यम से बीजों के द्वारा पौधे तैयार करते हैं, तो इसमें कुछ लाभ है अपने कि एक तो आप ये नमी बनाए रखेगा, इसके साथ साथ इसमें जो रोग और बीमारियां हैं वो कम से कम आपको इसका जो दर है वो बहुत कम होगा। और जो निमेटोड की समस्या अपन देखते हैं खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो सीडलिंग ट्रे में तैयार की हुई नर्सरी में निमेटोड की समस्या कम देखी गई है। अपन इससे सीडलिंग ट्रे तैयार करते हैं, जिस प्रकार आप मेरे पास देख सकते हैं पड़ी है। ये सीडलिंग ट्रे में जो अपने बीज लगाकर जो पौधे तैयार करते हैं उसका जर्मिनेशन अच्छा होता है। इसके साथ साथ जो, क्योंकि ये जो इसके छेद हैं बहुत छोटे हैं, ये बहुत कम मात्रा में खाद आती है तो इसमें नमी बहुत ज़्यादा कम रहती है, तो इसके लिए अपन कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पर नमी बनाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ जो अपने ग्रो बैग आते हैं, गमले आते हैं, उसमें ह्यूमस की मात्रा को ये बढ़ाए रखता है और जो ज़मीन है उसको भुरभुरी बनाता है, जिससे जो जड़ें हैं वो अच्छी तरह ग्रो कर पाती हैं और वायु का निष्कासन भी अच्छा हो पाता है और जो प्लांट है उसको न्यूट्रिशन पूर्ण रूप से मिल पाते हैं। इसलिए अपन अपने जो गमले हैं या फिर जो सीडलिंग ट्रे हैं उसके अंदर इस कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। आजकल कोकोपीट की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो हाइड्रोपोनिक खेती है उसके अंदर पूर्ण रूप से कोकोपीट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक व्यावसायिक रूप में कोकोपीट का इस्तेमाल खेती के अंदर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो पोली हाउस वाले जो किसान हैं, जो हाइड्रोपोनिक खेती करते हैं, जो कि पूरी तरह पानी में खेती करते हैं, मतलब उसमें जो मिट्टी का कोई भी योगदान नहीं होता, वो अपने यहाँ पर पोली हाउस में कोकोपीट का इस्तेमाल के द्वारा ही अपने पूरी रूप से खेती करते हैं। तो आप भी अपने खेतों में या फिर जो आप अपने यहाँ किचन गार्डनिंग करते हैं उसमें कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो किसान भाई अपने यहाँ नर्सरी बनाते हैं वो तो अपने सीडलिंग ट्रे में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्स करके ही इस्तेमाल करें, जिससे आपका जो प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ करेगा, प्लांट की जो जड़ें हैं वो अच्छी ग्रोथ करेगी और प्लांट को न्यूट्रिएंट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और ऐसी अन्य जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी आप कर सकते हैं। और ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।